अच्छा मेरी नॉइस तो नहीं है ज्यादा कुछ माइक पर, मुझे क्लियर कर दी। नो सर। चलिए ठीक है। अच्छा तो आज का हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एवरीवन आई टी प्रोजेक्ट। आज संडे है तो हम एक वर्कशॉप करवा रहे हैं, इसका टॉपिक है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड लेट्स सी हम इसके टाइप्स देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है तो बिफोर स्टार्ट आई थिंक हियर इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को यूज क्यों किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है, और असल में होता क्या है। आप में से कितने लोग हैं जिनको आइडिया है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी को आइडिया है। किसी को भी नहीं है, अगर किसी को भी नहीं है तो वो भी नहीं होते इसके। सर आपकी अच्छा वॉइस बहुत कम आ रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आया। अब ठीक है जी सर बेहतर पहले से। सर जी चले। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि आप में से किस किस को आइडिया है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स का या डीप लर्निंग का। मुझे थोड़ा सा है कि डीप लर्निंग का है, मशीन लर्निंग के बाद आती है डीप लर्निंग। तो हम अपने मॉडल को अपनी मशीन को लर्न करवाते हैं जो आने वाले यानी कि डाटा से लर्न करे, और जो हमें डाटा न्यू मिले वो उसको प्रेडिक्ट करके आउटपुट दे। वो अपने मशीन लर्निंग में भी ऐसा ही होता है। बेसिकली डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग में हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने की हेल्प आउट करते हैं। अब जो न्यूरल नेटवर्क्स जो बने हैं उनका बिल्कुल सेम, उनकी फंक्शनैलिटी उसी तरह ही है जिस तरह हमारी ब्रेन की फंक्शनैलिटी है। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, हमारा ब्रेन सोचता कैसे है, हमारा ब्रेन किसी चीज को कैसे एग्जीक्यूट करने की जो स्टेप्स लेता है, उन तो सब चीजों को रखते हुए कंसीडर करते हुए न्यूरल नेटवर्क्स को डिजाइन किया गया। अच्छा कितने न्यूरल नेटवर्क्स हैं हमारे पास, किसको आइडिया हो गया। न्यूरल नेटवर्क्स तो काफी हैं वैसे, बट जैसे काफी हमारे कितने पास हैं, CNN है, RNN है, और इस तरह ANN ANN है। जी है, काफी ये नहीं ANN आए थे ANN KNN CNN। जी। ये तीन न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ANN, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन है CNN और ANN की एक्सटेंशन है RNN, जो हमारी आज वर्कशॉप का टॉपिक है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अब जो CNN है वो ज्यादा हमें हेल्प आउट करता है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि हमने काफी वर्कशॉप्स करवाई हैं, पहले न्यूरल नेटवर्क्स पर भी बल्कि ANN पर भी करवाई है, CNN पर भी करवाई है, CNN पर पूरा कोर्स भी करवाया है, आज हम देख रहे हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा अब ये ना हमारे लिए ये नेटवर्क्स जो दो है ना CNN और RNN और ANN, ये जो तीन है ये सीखने क्यों इतने जरूरी है। टू बी ऑनेस्ट आजकल जो वर्किंग हो रही है, मतलब अगर तो आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपने स्कॉलरशिप लेना है, यूएस से स्कॉलरशिप सिक्योर करना है, तो आपको इन दोनों में से एक मॉडल या दोनों न्यूरल नेटवर्क्स काम आना बहुत जरूरी है। देखें या तो प्रोफेसर काम कर रहे हैं इमेजेस पर या वो काम कर रहे हैं डेटा, डेटा मतलब कि टेक्सचुअल डेटा वगैरह पर, ये दो ही फॉर्म है, ठीक है। जो इमेजेस पर काम कर रहे हैं उनके लिए CNN जरूरी है, जो दूसरे काम कर रहे हैं उनके लिए RNN जरूरी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर, ठीक है। तो इस हवाले से ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको आने भी चाहिए और आपको वर्किंग भी करनी चाहिए इस पर, ठीक है। चले तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक अगेन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, बट इससे पहले बहुत जरूरी है कि हमें ANN का पता हो एटलीस्ट। ANN का किसी को अंदाजा है कि ANN कैसे वर्क करता है, बल्कि ऐसा बताएं जिसको ANN का नहीं पता, ताकि मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, देन हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें। अगर आपको अंदाजा है तो आप एक बंदे को अंदाजा है, बाकी किसी को नहीं है।
पता कि ANN कैसे वर्क करता है? अच्छा चले, सर मैं थोड़ा आई थिंक ये जो है ना पैटर्न को ये, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है आप सबकी? अभी आ रही है सर आवाज मेरी। जी अब आ रही है आपकी आवाज। सर ये मेरे ख्याल से जो है ना अनसीन डेटा पर जो है ना पैटर्न्स को देखता है, मतलब किस पैटर्न का डेटा मिला है हमको यहाँ पे। सॉरी सॉरी अच्छा चले, ए हम ANN को, मुझे आपकी आवाज सॉरी नहीं आ रही, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स फाइटर। हाँ चले, मैं ना कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा ANN का काम क्या है? ANN में बड़ा बेसिकली कई होती है, दिल से आपने और सदैव छूटे दिया और आपके लिए। ANN में बेसिकली क्या होता है? ANN में एक लेयर होती है इनपुट लेयर, उसके दरमियान होती है हिडन लेयर्स, और एक होती है आउटपुट लेयर्स। ठीक है, अब ये एक सिंपल सा एक न्यूरॉन है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्क कैसे करता है। इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट ले रहे हैं, ये हमारे पास एक्स इनपुट है, और हम इसको वेटेज असाइन करते हैं। वेटेज असाइन करने के बाद ये इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, एक्स मल्टीप्लाई डब्ल्यू, एक्स इनपुट है, डब्ल्यू वेटेज है, ठीक है, वेटेज और प्लस बाइस। बाइस एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो कि हम ऐड करते हैं ताकि हमारे डाटा में नो लिनियरिटी हो सके, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर सके ताकि न्यूरल नेटवर्क उससे और अच्छा पढ़ सके, ए ट्रेन हो सके। ठीक है, उसके बाद इस पर हम लगा देते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। डिफरेंट टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, जिसमें टेन एच आ जाता है, सिग्मॉइड आ जाता है, रेडियो आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो ऐसे करके एक न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है, ठीक है, और ये फीड फॉरवर्ड जाते हैं। ऐसे ही मैं अब आप लोगों को शायद पिक्चर शो करवा दूँ, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। एक मिनट, आई थिंक अगर हम गूगल पे सर्च करें ना, तो ये आ जाएंगे ANN। इस तरह का ANN होता है। हाँ ये देखिए, ये आप इमेज देख रहे होंगे साइड पे, ये इस तरह का ANN होता है हमारा, जिसमें हमारी ये इनपुट लेयर्स हैं। इनपुट लेयर में मैंने आपको बताया इनपुट वैल्यूज होगी, इसके साथ वेटेज साइन होगा, ये न्यूरॉन्स पर आगे जाएगा। ऐसे ही ये फीड फॉरवर्ड करेंगे, कैलकुलेट होता जाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा और आउटपुट पर चला जाएगा। अब मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को समझ ना आया हो, और मैंने एक बहुत हाई लेवल पे इसका ओवरव्यू दिया है, बिकॉज हमारा आज का ये टॉपिक नहीं है। अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो शायद हमारा 1 घंटा इसी पर गुजर जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। इंशाल्लाह इसको इस तरह ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को चीज़ों को समझ आ जाए, ठीक है। हमारे जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, उसमें वनीला ANN है, उसके बाद ग्रेडियंट की प्रॉब्लम है, उसको हम ग्रेडियंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ANN की दो टाइप्स हैं, लॉन्ग शॉर्ट मेमोरी और गेटेड रिकरेंट यूनिट। उसके बाद हम सीक्वेंस सेंडिंग का आर्किटेक्चर देखेंगे और इसकी क्लास में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने आप लोगों को ना वर्कशॉप स्टार्ट होने पर एक चीज़ बताई कि न्यूरल नेटवर्क्स उसी तरह वर्क करते हैं जिस तरह हमारा ब्रेन वर्क करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे इन्वायरमेंट में ज्यादातर डाटा है वो सिक्वेंशियल डाटा है, ठीक है। अब सिक्वेंशियल डाटा का मतलब क्या है? मतलब कि जितने टास्क परफॉर्म होते हैं वो एक सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसको हम, इसकी एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं लाइक माई नेम इज श्याम, तो माई नेम इज, तो ये नेम पहले आ रहा है, ठीक है, नेम का वर्ड आ रहा है, और फिर मैं एहतिशाम लिखूंगा तो ये वर्ड मतलब कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं माई एहतिशाम, मतलब ये कुछ सेंस नहीं बनती और ना ही कोई लॉजिक बनती है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस से ये चीजें चलेंगी, ठीक है। सीक्वेंस से कैसे चलेंगी? पहले आएगा माई, उसके बाद आएगा नेम, उसके बाद आएगा इज, उसके बाद आएगा एहतिशाम, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं ब्रेन की एक्टिविटीज की, क्या होता है। लेट्स सपोज अगर हम किसी गर्म चीज को हाथ लगा रहे हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, तो सबसे पहले हमारी जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन को जाते हैं। ब्रेन सोचता है, ब्रेन प्रोसेस करता है कि हमने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लेट्स सपोज अगर हम किसी
गर्म चीज को टच कर रहे हैं तो फौरन एक सिग्नल जाएगा ब्रेन की तरफ, ब्रेन वो सिग्नल भेजेगा दोबारा कि ये हाथ पीछे कर लो, दिस इज दी हॉट, और ये आपको नुकसान दे सकती है ये चीज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सीक्वेंस में टास्क परफॉर्म हुआ, पहले सिग्नल गया, सिग्नल ने भी देखा कि अब क्या परफॉर्म करना है, उसके बाद उसने फिर सिग्नल भेजा ब्रेन ने, तो ये चीजें परफॉर्म हुई। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो आज इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है वो एक सीक्वेंस में परफॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक ये कैपेबिलिटी है ह्यूमन ब्रेन की कि उसके जो थॉट्स है वो प्रिसिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम मैच कर रहे होते हैं चीजों को, पहले हम पिछली चीज, लेट्स सपोज अब मैं आर एन एन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आर एन एन का आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, बट पहले उससे पहले मैं ए एन एन को सोच रहा हूँ कि हाँ ए एन एन में ऐसे हुआ था, इसमें आर एन एन में ये चीज ऐड हुई है, तो ये इसकी एक्सटेंशन है। बैक ऑफ द माइंड मेरे ए एन एन भी चीज चल रही है, ठीक है। तो इंसान की एक नेचुरल नेचुरल एक चीज है कि वो स्क्रैच से नहीं सोचता हर एक चीज को, वो पीछे उसके रिलेटेड जो छोटी सी चीज है उससे जो मैच कर रही है वो उसको सोचता है और उससे अगली एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब हमारे पास ए, आई होप आप सबको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फिक्स वेक्टर्स लेते हैं और प्रोबेबिलिटी और एक को डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर जो कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है वो भी एक फिक्स तरह की होती है, बट आर एन एन जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स को इंट्रोड्यूस करते हैं सीक्वेंशियल डाटा को लर्न करना, ठीक है। तो डाटा सीक्वेंस से आ रहा है, तो सीक्वेंस से डाटा को लर्न करना है और फिर आगे सीक्वेंस ऑफ आउटपुट देनी है, ठीक है। ये भी हम इसकी आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप उनको क्लियर हो जाएगा। अब आर एन एन को बनाया कैसे गया है, आर एन एन को बनाया गया टेम्पोरल डिपेंडेंट एंड प्रिसिस्टेंस ह्यूमन थॉट्स, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा इतना है टेम्पोरल डिपेंडेंट का। अच्छा ये मैंने सर्च भी किया था, टेम्पोरल डिपेंडेंट ब्रेन में किस एक्टिविटी को कहते हैं, ये मैं शायद चैट से देख रहा था, हम उधर से वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, तो ये नेचुरल ब्रेन की कैपेबिलिटीज है, ठीक है। यहाँ पे हाँ अच्छा, टेम्पोरल डिपेंडेंसी ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है वो किसको कहते हैं कि हम जो टास्क पहले परफॉर्म किया है, जो मतलब कि हमने एक चीज पहले परफॉर्म की है उसको हम माइंड में रखते हुए अगली चीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो प्रिसिस्टेंस रेफर करती है कि रेफर द वे ऑफ आवर ब्रेन प्रोसेस एंड रिमेंबर ओवर इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप लोगों को अक्सर गौर किया होगा कि आप अपने माइंड में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो आप उसको स्किप करते हैं और आपके माइंड में वही चीजें होंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही है। तो ये दो कैपेबिलिटीज है ब्रेन की जिसमें इंस्पायर होकर आर एन एन को बनाया गया है, ठीक है, ताकि वो परफॉर्म कर सके। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद अगर किसी को नई क्वेश्चन आया समझ आई तो वो दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा ये देखें कुछ टास्क है, जैसा कि कैसे आर एन एन किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि टाइम सीरीज की प्रॉब्लम्स है। अच्छा टाइम सीरीज की प्रॉब्लम में क्या होगा कि लाइक हमारे पास हमने एक प्रिडिक्ट करना है स्टॉक प्राइस को, ठीक है। अब एक मिनट, हाँ हाँ अच्छा स्टॉक प्राइस में क्या होता है, हमारे पास ग्राफ बना होता है ऐसे करके, ठीक है। अब हमने प्रिडिक्ट करना है कि ये वाला टाइम है, इस टाइम पे हमें इधर क्या प्रिडिक्शन मिलेगी, हमारे पास क्या मतलब हमारे पास इधर आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है आर एन एन, क्या करता है ये पूरे इसको ऑब्जर्व करता है टाइम के साथ के किस टाइम पर क्या रेट आ रहा था, किस टाइम पे क्या आउटपुट आ रही थी, किस टाइम पे क्या आ रही थी, फिर उस टाइम को कैलकुलेट करके आप किस स्पेसिफिक टाइम पे आपको आउटपुट दे सकता है, ठीक है। अच्छा मैं ये रेज कर देता हूँ। अच्छा ये देखें इसमें काफी सारे इधर टास्क लिखे हुए हैं जो कि परफॉर्म किए भी गए 2018 में एक्टिविटी रिकॉग्निशन
मतलब कि अगर आपने आरएनएन को सिग्नल्स दिए तो उसने लेबल करके दिए सिग्नल्स कि ये कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन इसकी एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि हम गूगल में यूज करते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश इंटू उर्दू या ट्रांसलेट इंग्लिश इंटू अरेबिक, अरेबिक इंटू उर्दू। तो हम एक डिफरेंट लैंग्वेज में देते हैं, वो हमें डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी हमारे पास है, आगे आने पे तो हम तब उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसरिंग हम स्पेसिफिक लाइक जैसा कि आजकल चैटबॉट है, हम चैटबॉट से क्वेश्चन पूछते हैं, वो उसको एनालाइज करता है, उस सीक्वेंस ऑफ डाटा को देखता है और फिर वो प्रिडिक्ट करता है आंसर जो कि उसके लिए बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन का टास्क भी आरएनएन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि हम उसे वॉइस दे सकते हैं अपनी, वो उस वॉइस को टेक्स्ट की फॉर्म में आउटपुट दे सकते हैं कि वॉइस किसकी है। ठीक है, उसके बाद हैंड रिटन प्रिडिक्शन, तो इसमें आई थिंक हम इमेजेस भी दे सकते हैं उसको, ये लेबल कर सकते हैं, उसकी कैप्शन लिख सकते हैं, उसमें रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओपिनियन हम इसे टेक्स्ट दे सकते हैं, ये अपना डिफरेंट ओपिनियन भी दे सकते हैं, लाइक चैटबॉट हमें बहुत सारे ओपिनियंस देते हैं कि आप ये वाला इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशंस थी आरएनएन की, कि हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आरएनएन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन फिर हम इसके आर्किटेक्चर को डिस्कस करें। उसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? रियल फिर ये रियल रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में कहाँ यूज होता है आरएमएल? वर्ल्ड ही सारे मैंने डिस्कस किए हैं। एक्टिविटी रिकॉग्निशन सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास चैटबॉट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो नाउन एग्जांपल है वो है जैसा कि आप ट्रांसलेट करते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं ट्रांसलेट इंग्लिश इंटू उर्दू। ठीक है, तो ये जो ये अब कैसे, इधर मैं आप इसको एक टेक्स्ट दे रहा हूँ, हाय माय नेम इज एहतिशाम। अब मैंने इसको एक सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस ऑफ डेटा दिया, देखे ना, ये डिफरेंट मैंने इसको वर्ड्स दिए। अब इसने वर्ड्स को रिकग्नाइज किया कि इंग्लिश में क्या कहा है, फिर उनको रिकग्नाइज करके मुझे ट्रांसलेट करके दिया उर्दू में, हाय मेरा नाम है एहतिशाम। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आरएनएन। ओके सर, सर ठीक है, क्लियर? इसमें जो समटाइम्स मतलब जो ट्रांसलेशन सही नहीं देता तो वो सर सिर्फ वर्ड को ही एनालाइज कर रहा होता है, मतलब पूरे सेंटेंस कभी कभी जो उनकी ट्रांसलेशन गलत दे देता है। ये देखें, आई डोंट थिंक कि कोई एआई टूल आपको 100% चीज की एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक एरर्स हर जगह ही पाए जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो, आई थिंक कम्प्लेक्स टास्क में वो दे सकता है आपको एरर। तो इसका जो वर्किंग करने का तरीका है वो यही है कि इसने अपने रिकग्नाइज, लाइक ना हमने यहाँ पे एक मॉडल पढ़ना है, उसमें ना यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे ना उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि ये कैसे करते हैं। ये क्या करेगा कि आपका सीक्वेंस लेगा, सीक्वेंस में आपकी जो इनपुट है वो लेगा, उसको एनकोड करेगा, एनकोड मतलब कि उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, और आरएनएन ट्रेन होगा। अब ये मैंने अभी डिस्कस करनी है सारी चीजें कि कैसे ट्रेन करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा ये दे देगा एक एनकोडेड ना, उसको दे देगा वेक्टर आउटपुट के तौर पर, और फिर वो क्या करेगा आरएनएन, फिर उसको डिकोड करेगा। अब लेट्स सपोज हमने उसे वर्ड दिया इंग्लिश में, ये वर्ड है आई लव यू। ठीक है, अब इसमें वो क्या करेगा, इसमें वो रिकग्नाइज करेगा कि हाँ इसमें कौन सी मेन बात है जो मुझे समझ आ रही है। अब एक वर्ड उसको समझ आया है लव, कि हाँ ये लव के रिलेट की बात हो रही है, तो वो उसको लव के रिलेट लिखकर उसको फिर इमेजिन करेगा कि इससे करीब तरीन कौन सी चीज हो सकती है जो कि सेंटेंस सही बन सकते हैं। तो वो प्रिडिक्ट कर आरएनएन उस पर उसके करीब तरीन या उसके एग्जैक्ट आपको चीज देने की कोशिश करेगा, जैसा कि इसको ट्रांसलेट किया गया उसने फ्रेंच में। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट्स वर्क। तो आरएनएन और जो जितने भी एआई मॉडल्स हैं ये कोशिश यही करते हैं कि हम करीब तरीन पहुंच के चीजों को कर सकें या एग्जैक्ट कर सकें। तो या दैट्स हाउ इट्स वर्क। जी, अस्सलाम वालेकुम ठीक भाई। ये जो आपने जी सर, आरएनएन
आरएनए से पहले वाली जो चीज बताई थी वो क्या थी? आपने कहा था कि आरएनए से, आरएनए का फायदा इससे पिछले वाले जो किस्म के न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनमें ये होता था कि वो फिक्स्ड इनपुट लेते हैं, फिक्स्ड आउटपुट देते हैं। वो क्या चीज थी, उसका क्या नाम था और उसमें क्या फ्लॉ था, अगर आप वो दोबारा बता सकें। ये आई थिंक हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, ए आर लिमिटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूरल नेटवर्क्स आल्सो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आर लिमिटेड ड्यू टू दे ओनली एक्सेप्ट अ फिक्स्ड साइज वेक्टर एज इनपुट, मींस टू से इमेज। लाइक हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स अगर यूज करते हैं तो हम उसका ऑलरेडी इमेज का साइज फिक्स करते हैं और फिर वो उसी तरह उसी साइज का आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब दूसरा उसे इसमें लिमिटेड लिखा हुआ है, दिस मॉडल यूजर फिक्स अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स, मतलब कि हम इसमें आई थिंक नंबर ऑफ लेयर्स कुछ फिक्स कर देते हैं जो कि वो उसी उसी मतलब उसे उन्हीं लेयर्स को कंप्यूट करना है। अब इसकी ना एक एग्जांपल ये है, यहाँ पे एक और डिस्कस है। चलिए चीजें सारी पहले डिस्कस हो गई है तो फिर अच्छा ये आप सीरीज, देखिए। जी अच्छा आप ये सीरीज में बता रहे थे, सॉरी ये मेरा पहला। नहीं अच्छा, नहीं अच्छा तो ये देखें, ये सीन क्या है कि अब इसमें हम क्या दे रहे हैं, हम एक इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रही है 3 सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में, ठीक है। अब देखें, अब इधर हम इनपुट दे रहे हैं 3 सीक्वेंस ऑफ वर्ड में लेकिन हमें आउटपुट मिल रही है 1। लाइक इसकी एग्जाम्पल ये है कि सीक्वेंस इनपुट सेंटिमेंट एनालिसिस, हमने उसे करवाया है, हमने उसे सीक्वेंस ऑफ एक वर्ड वर्ड की अरे दे दी है हमने कि ये वर्ड है। अब एनालिसिस करना है कि ये नेगेटिव है या फॉल्स है, तो वो देखे ना वो आपको नेगेटिव या फॉल्स मतलब एक आउटपुट भी दे रहा है। अब इसको सीक्वेंस टू सीक्वेंस, मैनी टू मैनी, इसका मतलब ये है कि ये वही हमारी ट्रांसलेशन वाली एग्जांपल आ जाती है इसमें कि हम इसमें इंग्लिश की एक वर्ड दे रहे हैं और वो हमें उर्दू में एक लाइन जनरेट करके दे रहा है, इंग्लिश की लाइन दे रहे हैं वो उर्दू में लाइन जनरेट करके दे रहा है। सो दैट्स हाउ आई होप कि आपका आंसर हुआ होगा। नहीं ठीक है, यानी ये स्लाइड टाइप में मैं देखूंगा। इससे पहले आपने सीएनएन का अगर बताया हुआ है कि सीएनएन होते क्या है, वो काम कैसे करते हैं, मैं ये जानना चाहता था कि आरएनएन, इससे पहले मुझे तो नाम ही नहीं पता था कि इनको सीएनएन कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। नहीं, तो सीएनएन पे मैंने पर्सनली एक सेशन भी करवाया था पूरा, वो रिकॉर्डेड टू पढ़ा हुआ है आईपॉड पे, एएनएन पे भी करवाया हुआ है और सीएनएन पे ये फर्स्ट टाइम आज हम आरएनएन पे पढ़ रहे हैं। ओके, नहीं ठीक है, मैं सीएनएन का आपको पुराना जी लेक्चर, ठीक थैंक यू। है ठीक है। चलें अब आई थिंक हाँ 3:30 तो हो गए हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा अब आरएनएन में क्या होता है, आरएनएन, अब मैंने आप लोग को एक ये न्यूरल नेटवर्क बताया, ये एक न्यूरल नेटवर्क है, सिंपल एक न्यूरल न्यूरॉन है बल्कि, ठीक है। इसमें क्या आई थिंक हमने गूगल से भी निकाली थी न्यूरल नेटवर्क, एक दफा उसे देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ कि आरएनएन पे क्या डिफरेंस है। अब हाँ, अब आप ये देख रहे हैं ये जो डाटा है यहाँ से इनपुट आ रही है, इनपुट से यहाँ पे जा रही है आगे फॉरवर्ड करी है हिडन लेयर्स में इंफॉर्मेशन और हिडन लेयर से पास होते हुए वो आउटपुट में जा रही है, ठीक है। ये एएनएन में वर्क ऐसे होता है, ठीक है। अब बैक प्रोपगेशन या ग्रेडियंट की प्रॉब्लम इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हम बैक आते हैं, हम अपनी जो जो लॉस फंक्शन है उसको कैलकुलेट करते हैं, उस लॉस फंक्शन को कैलकुलेट कर कर हम बैक आते हुए वेटेजेस को अपडेट करते हैं ताकि हम मिनिमाइज कर सकें लॉस फंक्शन को, ठीक है। अब आप इधर एक मजे की चीज देखें कि यहाँ पे H1 है, ये पहला न्यूरॉन है, ठीक है, ये जहाँ पे मेरा एरो है, मैं आई थिंक एनोटेट कर लूं ए। अच्छा अब ये एक हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है, एक हमारे पास ये न्यूरॉन है। अब इन दोनों का आपस में लिंक कोई नहीं है एएनएम में, किसी भी किस्म का कोई लिंक नहीं है इन दोनों का आपस में, ठीक है। लेकिन आरएनएन में क्या होगा, आरएनएन में इन दोनों का लिंक होगा, वो क्या करेगा इसकी भी आउटपुट को यूज करेगा। अच्छा चले अब हम स्लाइड्स पे चलते हैं, वहां पे आरएनएन को डिस्कस करते हैं। ये बेसिक समझाने का मकसद ये था कि एएनएन में वो फॉरवर्ड फीड कर रहा है, ठीक है, उसका न्यूरॉन्स का आपस में एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है। अच्छा तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे हाँ वापस। जी किसी का सर, क्वेश्चन? इसके रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है। जैसे हम लीनियर रिग्रेशन पे जो ना फास्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, मतलब हम इस हिडन लेयर्स पे कैसे मतलब फास्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं?
हिडन लेयर्स में कैसे मिनिमाइज करते हैं, वेटेजेस को अपडेट करके हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद हम वेटेजेस को अपडेट करते हैं। वेटेजेस ये देखे ना, हम क्या कर रहे हैं, न्यूरॉन्स में बनता कैसे है कि हम इनपुट को वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जाके एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, ये हो गए फीड फॉरवर्ड। अब ये आगे जी प्रोसीड कर गया, सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, जी चले आगे समझ। अच्छा जी सर, चले हाँ, क्लियर हो गया। अगर किसी चले किसी और को नहीं आई तो मैं उसे बता दूं कि फीड फॉरवर्ड में क्या कर रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट लेके हम वेटेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हैं और ऐसे ही हम फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहे हैं। अब बैक प्रोपगेशन में क्या होगा, लेट्स सपोज ये हमारी आउटपुट है और ये हमारी इनपुट है, तो हम बैक जा रहे हैं। बैक जाने का मतलब क्या होगा, जब हम बैक जाएंगे तो हम इस वेटेज पे जो वैल्यू है इसको अपडेट करेंगे, इसको अपडेट करके हम लॉस फंक्शन को रिड्यूस करेंगे, हम देखेंगे कि किस वैल्यू पे हमारा लॉस फंक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो उस हिसाब से हम वेटेजेस को अपडेट करेंगे ताकि हमारा जो मॉडल है वो अच्छे तरीके से लर्न कर सके और सही प्रिडिक्ट कर सके। ठीक इसका है, मतलब सर, हमारी जो अपडेटेड वैल्यूज होंगी हमारे वेट्स की, मतलब सर हम कॉस्ट फंक्शन में उनको अपडेट करेंगे, या फिर वो जो पहले हमने मतलब वो की होती है वेट्स की वैल्यूज का। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आई किसको अपडेट करने का कह रहे हैं आप। अच्छा, जैसे हमारी हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन में जैसे हम करते हैं जे आप एफ ऑफ डब्ल्यू का मान बी जैसे हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसमें सर जैसे डब्ल्यू और बी की वैल्यूज जो होती हैं उनको मतलब अपडेट करने के बाद जो है उसमें पुट करते हैं कॉस्ट फंक्शन यस में, तो हम सर यस इसमें टाइम हो गया कि मतलब वही अप्रोच यूज कर रहे होते हैं अपडेटिंग द वेट्स की। अच्छा, ये मुझे आपकी समझ आई है, डब्ल्यू तक बात समझ आई है, उसके बाद आपकी आवाज शायद कट रही है, उस वजह से अंडरस्टैंड नहीं हो रही बात। सॉरी सर, कुछ इंटरनेट का इश्यू था इसलिए डिस्टॉर्ट हो रही थी वॉइस। सर जी मैं यही पूछ रहा था कि मतलब जैसे हम वहां पर साइमल्टेनियसली अपडेट करने के बाद कॉस्ट फंक्शन में उनकी वेट्स की वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, यहाँ भी हम ऐसे ही बैकवर्ड में भी साइमल्टेनियसली अपडेट करने के बाद ही उसमें कॉस्ट फंक्शन में उनकी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। नहीं, ये ना हम ना लर्निंग रेट डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स में, कि किस हिसाब से हमें वेटेजेस को जाके अपडेट करना है, उतनी वेटेजेस को अपडेट करके अगर हम थोड़ा लर्निंग रेट रखेंगे तो हम थोड़ी वेटेजेस को अपडेट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा लर्निंग रेट ज्यादा है तो हम ज्यादा वैल्यूज को अपडेट करके फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर ज्यादा अपडेट करके फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा। अब आरएनएन पर वापस आते हैं। अब आरएनएन में क्या होता है कि हमारा आप देख रहे हैं कि ये ना इसमें अब एक फॉरवर्ड कर रहा है, फॉरवर्ड में क्या हुआ, एएनएन में क्या हुआ कि एक्स है, एक्स और वेटेज की मल्टीप्लाई हुई, ये यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन लिखा जहाँ पे ए लगा हुआ है और उसके बाद आउटपुट पे चला गया, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है लूप। अच्छा, अब इस लूप को समझते हैं कि लूप क्या होता है, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अब लूप में क्या होगा, बेसिकली आरएनएन का बेसिक फंक्शन ये है कि आपने पिछली चीज को मद्देनजर रखना है, जो चीज आपसे पहले एग्जीक्यूट हुई है आपने उसको माइंड में रखते हुए अगली चीज को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस लूप को अगर हम अनरोल करके देखें तो हमारे पास पहले एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो एक्स और वेटेज मल्टीप्लाई होगा और एक आउटपुट चला जाएगा। ठीक है, अगली एक्स वन की वैल्यू आएगी। अच्छा, इसको ना आई थिंक मुझे फॉर्मूलाज को लिखना पड़ेगा फिर शायद ज्यादा क्लियर समझ आएगी। अच्छा, अब ये ना हम पहला देख रहे हैं एक्स जीरो और एच जीरो वाला। ठीक है, एक्स जीरो में क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई डब्ल्यू वन, डब्ल्यू प्लस बाई से ऐड होगी और हमारे पास आउटपुट बन जाएगी वाई। अब आ जाएंगे जी हम इस पर एक्स वन पर। अब एक्स वन में क्या होगा, सिंपल एक्स, ये एक्स जीरो था ऊपर, एक्स वन में क्या होगा, एक्स वन मल्टीप्लाई डब्ल्यू वन, ये वही वैल्यू जो आनी चाहिए थी, अब ये वाली वैल्यू भी इसमें ऐड होगी। ये जो प्रोसेस करेगा वो तो पिछली वैल्यूज को भी लेगा और जो नई वैल्यूज आ रही है उसको भी लेगा, इसमें क्या होगा प्लस एक्स जो हमारे पिछली स्टेट से आ रहा है वो एक्स आएगा,
और उस इसको हम एच भी कह सकते हैं, ठीक है। आउटपुट जो है पिछले न्यूरॉन की आउटपुट है वो आएगी, और उसकी जो वेटेज उसका जो कैलकुलेट हुआ है वो आएगा, और फिर उसमें बायस ऐड होगा और फिर वो कंप्यूट होगा। ऐसे ही जब एक्स टू की बारी आएगी, एक्स टू में एक एक्स टू आएगा, इसका वेटेज आएगा, उसके बाद इसका भी वेटेज इसमें आएगा, ये दोनों कैलकुलेट होंगे, फिर इस पर एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा और फिर ये आगे प्रोसीड करेगा। इसमें अब एडिशनल चीज क्या हुई, इसमें एडिशनल चीज क्या हुई, वो ये हुई कि इसने जब अगली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा था, तो अगली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने से पहले इसने पिछली इंफॉर्मेशन को भी लिया, दोनों को देखा और फिर दोनों को मिलके प्रोसेस किया, ताकि वो इसको आगे आउटपुट की तरफ लेकर जा सके। ऐसे ही ये पूरा एक न्यूरॉन प्रोसीड होगा, एक लेयर जो बनी है उसमें ऐसे ही ये प्रोसीड होगी, जिसमें पिछली स्टेट भी ऐड होती जाएगी और अगली स्टेट भी ऐड होती जाएगी। क्लियर है आपको? मुझे क्लियर है तो मुझे बता दें, फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं। जी यस सर। चले। अच्छा अब इसको हम टाइम सीरीज भी डाटा कह सकते हैं, ठीक है। टाइम सीरीज मतलब कि उसको इसलिए कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पर ये हमारे पास इनपुट आई, तो हमने उसके बाद इस टाइम पर ये आई, तो उसके हमने पिछले टाइम जो इनपुट आई थी उसको भी देखा। अगर मैं इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से सोचू तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन लेट्स सपोज हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले माइंड में रखेंगे कि पिछली इसका सिंपल फार्मूला क्या है, उस सिंपल फार्मूला को लेके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, जैसा कि फिजिक्स के कोई न्यूमेरिकल होते हैं उसमें हम फार्मूलाज को लेते हैं, माइंड में रखते हैं, उस फार्मूलाज को कंप्यूट करते हैं, फिर अगले फार्मूलाज लगा के उन चीजों को चलते हैं। मतलब ये सिंपल कहने का मतलब ये है कि हम पिछली जो उससे चीज है उसको माइंड में रख के अगली चीज को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब तो ये हो गया फॉरवर्ड। अब हमने ग्रेडियंट डिसेंट की प्रॉब्लम को भी सोल्व करना है, तो अब इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है वो हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें बैक प्रोपगेशन कैसे होगी, किसी को कोई आइडिया हो? अच्छा एक चैट पे क्वेश्चन है, वैनिशिंग ग्रेडियंट, इसको अभी हम इस टॉपिक के बाद वैनिशिंग ग्रेडियंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा किसी को कोई आइडिया है जेन में कि ये बैक प्रोपोगेशन कैसे होगी आरएनएन में? एएनएन में बैक प्रोपोगेशन सिंपल थी कि वो जैसे वो प्रोसीड किया फॉरवर्ड वैसे ही वो बैकवर्ड आएगा और वेटेजेस को अपडेट करेगा। लेकिन आरएनएन में क्या होगा, आरएनएन में जब वो वापस आएगा उसके बाद सबसे पहले वो इधर आया, ये हमारी आउटपुट, आउटपुट से हमारा पहला ये जो न्यूरॉन है वो ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर आया, उसने आके यहाँ पर वेटेजेस को अपडेट कर दिया। अब वो चला गया एक्स वन पर, अब जब एक्स वन पर जाएगा ये वेटेजेस को अपडेट करने के लिए डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है। अब वो डेरिवेटिव क्या करेगा कि वो जब एक्स वन पर आएगा तो वो वेटेजेस को अपडेट करने के लिए पहले इसकी वेटेज को भी अपडेट करेगा, इसकी वेटेज को भी अपडेट करेगा, तीनों को मिलाकर इनका डेरिवेटिव लेगा, फिर प्रोसीड करेगा। अब जब एक्स जीरो पर आ जाएगा, एक्स जीरो पर आने के बाद अगेन वो सबकी वेटेजेस को लेगा जो उसके पीछे पेंडिंग है, सबकी वेटेजेस को लेकर फिर उनका डेरिवेटिव लेकर फिर इसको अपडेट करेगा, ठीक है। जैसा कि ये सिंपल इसका मतलब यही है, जैसा कि हम फॉरवर्ड में प्रोसीड कर रहे थे पिछली स्टेट को रखते हुए कि हमने पहले जो डिसीजन लिया है फिर हम अगला डिसीजन लेंगे, इसी हिसाब से जब बैक बैक प्रोपेगेशन करेगा तो बैक प्रोपेगेशन में भी वो अपडेट करते हुए पिछला जो अपडेट किया है उसको भी जेन में रखेगा और फिर अगले को अपडेट करेगा उस हिसाब से, ठीक है। क्लियर है? क्लियर सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, देन हम प्रोसीड करें, क्योंकि अगर समझ ना आया तो फिर आगे जाने का फायदा नहीं है। सर जैसे ANN में हम बैक प्रोपेगेशन करते हैं, तो RNN में करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने तो वो पिछले पॉइंट में कर लिया है, इस वाले करने में क्या, यानी कि क्यों करते हैं हम बैक प्रोपेगेशन? अच्छा आपको ना शायद मिसकंसेप्शन हुआ है कि बैक प्रोपेगेशन हमने एएनएन पे कर लिया है, एएनएन इज द डिफरेंट थिंग, आरएनएन इज द डिफरेंट थिंग। हमने बैक प्रोपेगेशन की नहीं है, हम आरएनएन को यूज कर रहे हैं, एएनएन को नहीं कर रहे, एएनएन से सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आरएनएन फिर यूज सर कर रहे हैं,
आरएनएन को हम फॉरवर्ड चले गए हैं। अब हमारे पास अब देखे ना, अब हमने एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर लिया, हमने ट्रेन किया कि आपने कहना है कि ये जो कलर है ये येलो है। अब वो न्यूरल नेटवर्क आपको आंसर दे रहा है नहीं जी ये कलर रेड है। तो अब आपने उसको, अब देखे ना, आप जब एक बच्चे को जब हम एक कायदा देते हैं कि ए फॉर एप्पल, ठीक है, वो बोले नहीं जी ए फॉर एरो, ए फॉर कैट, तो हम उसे बताएंगे नहीं दिस इज नॉट द कैट, दिस इज एप्पल, आपने इसको एप्पल कहना है। तो ऐसे ही बैक प्रोपेगेशन का मतलब है कि हमने उसको सिखाना है कि नहीं ये आप गलत कह रहे हो, इसको आपने सही करना है। तो हम उसकी वेटेजेस को अपडेट करके फिर उसको लर्न करवाते हैं कि हाँ, जैसा कि हम बच्चे को बार बार पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल ए फॉर एप्पल, तो ये ऐसे ही बार बार इसके ग्रेडियंट उसको कंप्यूट करता है। जब तक वो करेक्ट नहीं होता तब तक वो बैक प्रोपगेशन पे वेटेजेस को अपडेट करता है ताकि मैक्सिमम एक्यूरेसी को अचीव किया जा सके। अच्छा ओके सर, क्लियर है, थैंक यू। जस्ट बैक प्रोपगेशन पार्ट। अच्छा एक कमेंट आया, आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेरिवेटिव ड्यूरिंग द बैक प्रोपेगेशन। इसका मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपको आइडिया है तो आप ऐड कर दें, वरना इसको हम फिर एंड पे देख सकते हैं सर्च करते हैं। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कुछ, मेरे ख्याल से दोबारा, रिकरेंट स्ट्रक्चर ऑफ आरएनएन एनेबल्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अलाउ करता है, जैसा कि हम स्पेशलाइज्ड मतलब अगेन सीक्वेंस वैल्यूज को लर्न करने में हेल्प आउट। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन मेरी विजिबल है? विजिबल ही है ना बिल्कुल जी। चले अच्छा, आरएनएन हमें हेल्प आउट कर देता है कि सीक्वेंस वैल्यूज को इजीली हम पास्ट इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर करके फिर हम आगे सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस वैल्यूज को हम जनरेट कर सकते हैं, उस पर लर्न कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कैन स्केल टू मच लॉन्गर सीक्वेंस देन वुड बी प्रैक्टिकल फॉर न्यूरल नेटवर्क विदाउट अ रिकरेंट स्ट्रक्चर। ओके, कैन प्रोसेस। अच्छा अब ना हमारा मेन टॉपिक आ रहा है कि वनीला आरएन। अब ये जो हमने आरएनएन पढ़ा है इसमें हमें दो डिफिकल्टीज आती हैं, एक आती है एक्सप्लोडिंग एंड वैनिशिंग ग्रेडियंट की। अब ना हम इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों चीजें एक्चुअली हैं। अच्छा एक ये हमारे पास और एक ये। अच्छा हमारा टास्क क्या होता है कि हमारे वेटेजेस यहाँ पर है और यहाँ पर जीरो है मिनिमम। हमने क्या करना होता है, हमने वेटेजेस को ऐसे अपडेट करना होता है कि हम ना लॉस फंक्शन को जीरो की तरफ लेकर आ सकते, ठीक है। और अगेन इधर भी ये सीन होता है कि हमने वेटेजेस को ऐसे अपडेट करना है कि हम ये जो ग्राफ है इसकी जो वैल्यूज है लॉस फंक्शन की वो हम जीरो की तरफ ला सकते हैं। अब ना हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं सिग्मॉइड का। अब सिग्मॉइड में वैल्यूज बाउंड होती हैं जीरो और वन के दरमियान, ठीक है। जब हम बैक प्रोपगेशन करते हैं, और आपको मैंने बताया कि बैक प्रोपगेशन में जो आरएनएन है वो पिछली सारी वेटेजेस को कंसिडर करता है, कंसिडर करने के बाद फिर अपडेट करता है। जब वो पिछली सारी वेटेजेस को अपडेट करता हुआ एक साथ आ रहा होता है तो उसको प्रॉब्लम क्या आती है एंड पे आके, कि उसके पास जो अपडेट करने की वैल्यूज होती है वो वेरी क्लोज टू जीरो हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि एक नेचुरल अमाउंट अपडेट हो रही होती है। इन सिंपल वर्ड्स के वेटेजेस अपडेट ही नहीं हो रहे होते। उसमें क्या होता है कि अब वेटेजेस यहाँ पर हमारा एक वेट है, ठीक है, वो अगला अपडेट होने के बाद सिर्फ यहाँ पर जाता है, वो उससे आगे जा ही नहीं रहा, मतलब वेटेजेस अपडेट हो ही नहीं रही कि लॉस फंक्शन जीरो की तरफ आ सके। इसको हम कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास, अगर हम रेलो फंक्शन यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज, अब क्या होती है कि हमारी वैल्यूज जो वन से ग्रेटर है वो जी सर, तरह आपको कोई क्वेश्चन है? सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये प्रॉब्लम वैनिशिंग ग्रेडियंट की आती है तो इसका मतलब नुकसान क्या है हमें, नुकसान अगर आ ये है रही है? कि
हाँ, नुकसान ये है कि आपका न्यूरल नेटवर्क लर्न ही नहीं कर पा रहा। मैंने आपको आगे इट मीन्स एग्जांपल न्यू दी, पैटर्न्स नहीं लर्न कर रहा अभी वो उसमें। न्यू पैटर्न्स नहीं लर्न कर पा रहा। अब देखिए ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि बैक प्रोपोगेशन का मकसद क्या है, कि हमने अपने न्यूरल नेटवर्क की गलती को करेक्ट करना है। अगर हम हमारे पास अगर ग्रेडियंट हमें वेटेजेस अपडेट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम उसे करेक्ट नहीं कर पा रहे, वो फॉल्स ही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो हमें उसे लर्न करना होगा, बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हम वेटेजेस को अपडेट करते हैं। जी सर, ठीक ये है। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी ये चैट के क्वेश्चन का। और अच्छा, अब ये तो होगी वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम, अब आती है एक्सप्लॉइटिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम। और जो हमारे जी पास ये जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर वाला, मतलब हमारे पास पैटर्न होता है, मतलब आर्किटेक्चर है कंप्लीट है, कि जनरेटर इमेज जनरेट कर रहा होता है, डिस्क्रिमिनेटर उसको बता रहा होता है। इट मींस डिस्क्रिमिनेटर एज आ वो उसके वेट चेंज कर रहा होता है, कि बता रहा होता है कि ये वेट इस तरह करके रखो, देन ठीक बनेगा आपके पास इमेज जोन सी है। यस और बैक प्रोपेगेशन उसमें यूज हो रही होती है वो। यस डेफिनेटली ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम आती है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की। अब एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट में क्या होता है कि हमारी जो वैल्यूज, एक लेट्स सपोज हम रेनू फंक्शन यूज कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यूज बहुत ज्यादा, मतलब ना 1 से जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगी। अच्छा, अब उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि अपना हमने वेटेजेस को अपडेट कर रहे हैं, वेटेजेस अपडेट करते करते हम इतनी ज्यादा अपडेट करते हैं कि वो क्या है, वो हमारा जो लॉस फंक्शन है वो मिनिमाइज नहीं हो रहा। अब देखिए ना, यहाँ पे वैल्यू है, एक हमारा वेटेज यहाँ पर है, हमने इसको अपडेट किया कि वो 0 के आने के बजाय सीधा इधर चला गया। ठीक है, इधर से अपडेट किया वो इधर चला गया, इधर से अपडेट किया वो इधर चला गया, वो 0 की तरफ नहीं जा रहा, वो या तो इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे करके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जबकि हमारा जो टास्क है ग्रेडियंट में कि हमने वैल्यूज को ये नीचे इस पॉइंट पर लाना है, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टाइप आती है आरएमएम की, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है, अब हम अपना टाइम इसको समझने में लगाएंगे कि वो वर्क कैसे होता है। आई होप कि आपको ये इसकी प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीजें मैंने डिस्कस, हाँ चले। अब लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी ये क्या करता है, ये मेमोरी में पास्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, अच्छा, पासिस अलोंग टाइम स्टैम्प्स विद माइनर लीनियर इंटरेक्शन। टाइम स्टैम्प्स के साथ जो इसकी जो मेमोरी है उसको अपडेट भी करता है। ठीक है, अब इसमें तीन तरह के गेट होते हैं और एक मेमोरी सेल। ठीक है, ये अगर आप चीजें नोट भी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, काफी ज्यादा पीछे रह सकते हैं। एक मिनट सर, LSTM के बारे में दोबारा बताइएगा। हम एलएसटीएम को ही डिस्कस करेंगे अभी सारा, बस एक मिनट। अच्छा, LSTM में अब हमने देखना है कि RLM और LSTM में फर्क क्या है। LSTM में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि इसमें एक मेमोरी सेल होता है। मेमोरी सेल कौन सा है, ये जो आपको CT1 वाली लाइन नजर आ रही है, दिस इज द मेमोरी सेल। ठीक है, उसके बाद इसमें होते हैं गेट्स, एक होता है इनपुट गेट, एक होता है फॉरगेट गेट, एक होता है आउटपुट गेट। अब ये चीजें हमने बेसिक समझ ली कि इसमें होता क्या क्या। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आपको एनोटेट करके बताता हूँ कौन सा गेट कौन सा है और कौन सा मेमोरी सेल है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास है, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है मेमोरी सेल। उसके बाद ये वाला जो है ये है फॉरगेट गेट, ये है जी इनपुट गेट, और ये है जी आउटपुट गेट, ये वाला। अच्छा, पता लग गया कौन सा गेट कौन कौन सा है। ऊपर वाली जो लाइन है ये मेमोरी सेल है, ये वाला जो पहला है ये इनपुट गेट है, ये है जी, नहीं ये पहला वाला फॉरगेट गेट है, ये दरमियान वाला है ये इनपुट गेट है, और ये जो है ये है
आउटपुट गेट, ठीक है। अब अगर समझ आ गई तो मैं इसको फिर रिमूव कर दूं ताकि मैं आगे भी इस चीजें समझा सकूं। अब आई होप पता लग गया होगा गेट कौन सा किधर किधर। अब ये वर्क कैसे करते हैं, अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कौन सा हमारे पास गेट है। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले ना आप इनपुट देखें, हमारे पास ना इनपुट आ रही है HT1, HT-1 और XT। इसका मतलब क्या है? आई थिंक आई शुड एनोटेट अगेन। अच्छा ये जो है जो हम प्रेजेंट इनपुट ले रहे हैं और ये हमारी जो पिछले न्यूरॉन से इनपुट आ रही है, ये दोनों यहाँ पे कंकैटिनेट हो रही है, ठीक है। अब ये वाला जो है सबसे पहले हमारे पास आता है ये वाला जो, अब मेमोरी सेल में ना हमारे पास दो ऑपरेशन है, एक है ये पॉइंट ऑपरेशन और एक है ये ऐड ऑपरेशन। ये वाला जो पहला है मैंने आप लोगों को बताया ये है फॉरगेट गेट। फॉरगेट गेट का सिंपल मकसद क्या है कि ये याद करेगा कि हमारे पास पिछली जो मेमोरी स्टेट आई है पिछले न्यूरॉन से, उसमें से हमने कौन सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है और कौन सी फॉरगेट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट ऑपरेशन है ये देखेगा कि अब जो न्यू इंफॉर्मेशन हमने इस गेट पर हमने इंफॉर्मेशन फॉरगेट कर दी, अब जो फॉरगेट करने के बाद उस जगह हमने न्यू इंफॉर्मेशन कौन सी स्टोर करनी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये जो मेमोरी सेल बन जाएगा इसमें अपडेट होगी, अपडेट होने के बाद ये हमारी जो आउटपुट यहाँ से आ रही है डायरेक्ट, ये दोनों का जो मिक्स कंकेटिनेट होके आ रही है, इसलिए आके यहाँ पर मिलना है मेमोरी सेल के साथ और यहाँ पर एक पॉइंट ऑपरेशन लगना है, इसके बाद यहाँ से इसकी आउटपुट जनरेट होगी। आई होप इसकी अभी ज्यादा समझ नहीं आई होगी, तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करते हैं एक्चुअली में सब होता है कैसे। अच्छा आई थिंक अच्छा, अब ना यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको बताया X1 और HT1, हमारे पास दो पीछे से वैल्यूज आई, हमने उसको कंकैटिनेट कर दिया, हमारे पास आ गया एक वेक्टर। अब वेक्टर के बाद ये एक न्यूरॉन लगा हुआ है, ठीक है, जो रेक्टेंगल या स्फीयर की फॉर्म में है, ये लगा हुआ है न्यूरल नेटवर्क लगा हुआ है या न्यूरोन लगा हुआ है। अब इसमें सिग्मॉइड फंक्शन लगा हुआ है, सिग्मॉइड का काम है जी वैल्यूज को बाउंड करना है हमने 0 और 1 के दरमियान। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो आ जाएगी 0, 0 या 1 और 1। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे लगा हुआ है जी पॉइंट ऑपरेशन, पॉइंट ऑपरेशन का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इधर भी पहले से वेक्टर है क्योंकि पीछे से भी स्टेट आ रही है ना, पीछे से मेमोरी आ रही है, अब मेमोरी में पहले से ही एक वेक्टर पड़ा हुआ है। अब सिग्मॉइड फंक्शन, यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन क्या करेगा, सिग्मॉइड फंक्शन ऐसा करेगा कि अगर तो कोई इंफॉर्मेशन इससे पहले ही मिलती जुलती है, लाइक अगर हमारे पास पहले जी वर्ड स्टोर है किंग का, ठीक है, और न्यू वर्ड आ रहा है हमारे पास क्वीन, तो इन दोनों में कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, और ना ही ज्यादा डिफरेंस है, तो इसका क्या होगा, इसके वेक्टर्स में अगर वन 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 वैल्यूज हैं तो इसकी भी वैल्यूज जो है क्लोज टू 1 और 1 होंगी, क्योंकि हमने सिग्मॉइड फंक्शन लगाया है तो हमारी वैल्यूज क्लोज टू 1 हो जाएगी। तो जब 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 होगा तो आंसर 1 ही आएगा, इसका मतलब क्या कि हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ अगर तो किंग की एक वर्ड हमारे पास पहले पड़ा हुआ है किंग, ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है पुअर, दिस इज अ न्यू वर्ड एंड इट इज वेरी डिफरेंट विद द किंग वर्ड। अब इसमें क्या होगा, इसका वेक्टर होगा इससे डिफरेंट, इसमें कुछ वैल्यूज होगी 1 की और कुछ होगी 0 की। अब जो वैल्यू 0 की होगी वो जब प्रीवियस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी जिसमें 1, 1 और एटलीस्ट 1 पड़ा है, तो जो 0 वाली वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगी और 1 वाली 1 रह जाएंगी। तो सिंपल हमारे पास पॉइंट ऑपरेशन के बाद वैल्यूज आ जाएगी 1, 1, 0, 0 और 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ये इसने फॉरगेट कर दी, ये वैल्यू हो गई 0, और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये उसने मेंटेन रखी कि नहीं इसकी मुझे जरूरत है, इसको मुझे फॉरगेट नहीं करना, इसको फॉरगेट करना था उसको 0 कर दिया और जिसको मेंटेन रखना था उसको मेंटेन कर दिया। अब इसकी एक एग्जांपल एक और देखते हैं। अब मेरे पास ये सीक्वेंस ऑफ डाटा है, मैंने स्टोर किया माय नेम इज क्रिश, ओ माय नेम इज एहतिशाम, ठीक है। अब मैंने एक डाटा स्टोर किया माय नेम इज एहतिशाम एंड माय एज इज 26। अब माय एज इज 26 उसका मतलब है कि उसे याद रखना है कि जो 26 एज है वो एहतिशाम की है, इसे एहतिशाम वर्ड को याद रख,
अब जी मैं नेक्स्ट दे देता हूँ कि माई ब्रदर नेम इज अली, ठीक है। अब उससे देखना है कि मैंने अभी शाम के वर्ड को थोड़ा सा मिस करवा कर उसमें से कुछ लूज कर मैंने अब अली का नाम भी याद रखना है कि एक और बंदा आ गया एंड हिज एज इज 25। अब उससे एक चीज याद रखनी है कि अब 26 एज ये शाम की थी, 25 एज किसकी है, अली की। अब वो क्या करेगा कि वो एहतिशाम की पूरी वेक्टर को स्टोर नहीं करेगा, वो एहतिशाम की कुछ इन्फॉर्मेशन को फॉरगेट करेगा और अली की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। दैट्स हाउ फॉरगेट गेट वर्क्स। इज इट क्लियर? समझ आ गई है तो यस बता दे, नहीं आई तो तभी बता दे। यस सर। नहीं सर, इतनी नहीं आई, थोड़ी दोबारा रिपीट करना सर क्या इसमें मेरा आपने? क्वेश्चन है जी सर, शाम जी जी सर पूछे। सर मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो वेक्टर स्पेस होगी वो सेम रहेगी या चेंज होती जाएगी? इस हिसाब से सर मतलब समझ नहीं आई कौन सी वेक्टर स्पेस। मतलब सर ऑलरेडी उसके पास एक वेक्टर था जी और एक ठीक न्यू वेक्टर आ गया, न्यू डेटा, न्यू नोड का, ठीक है। फिर वो जब उससे ना फॉरगेट वाला ऑपरेशन उस पर एग्जीक्यूट हुआ तो उसके है। बाद क्या जो वेक्टर होगा वो न्यू जनरेट होगा, उसकी स्पेस बढ़ जाएगी यानी वेक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी या सेम रहेगी? सर देखिए वेक्टर की लेंथ आई होप उतनी ही रहेगी, उसमें से वो देखेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को मुझे फॉरगेट करना है और कौन सी मेंटेन करनी है। लेट सपोज अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही उससे मिलती जुलती आ गई जिसको अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है तो वो उस वेक्टर को अपडेट करेगा ही नहीं, ठीक है। अगर तो अब ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई है जिसे अपडेट करना है और उसे मेंटेन करना है तो उसमें क्या करेगा कि वो पिछले वेक्टर में से चीजों को फॉरगेट करेगा और उसमें से जो जिस जगह चीजें फॉरगेट की है उस जगह वो न्यू चीजों को स्टोर करेगा। इसका मतलब है वैल्यू सेम रहेंगी, मतलब उनकी जो लोकेशन है वो सेम रहेगी, वैल्यू चेंज हो सकती हैं जी लेकिन उसका। ओके राइट सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा अब तो हो गया हमारी बात फॉरगेट गेट की, अब आ गया हमारे पास एक आते हैं इनपुट गेट। अब देखिए हमारे पास अब मैंने आपको बताया ना फॉरगेट गेट पे वैल्यूज आ गई 0। अब उससे वैल्यूज फॉरगेट तो कर दी, अब जो न्यू वैल्यूज है वो ऐड भी करनी है, ठीक है। वो ऐड करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारे पास इनपुट आई हुई थी HT1 माइनस H। अच्छा ये पहला एक भाई का क्वेश्चन था कि मुझे समझ नहीं आई। अच्छा तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन, लेट्स सपोज अब ये जो हमारे पास एक वेक्टर आया न्यू, एक हमारे पास वेक्टर पहले से स्टोर था, ठीक है। अब जो न्यू वेक्टर की इन्फॉर्मेशन, अगर तो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन होगी सिग्मॉइड फंक्शन के बाद, वो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू क्लोज टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर तो वो इन्फॉर्मेशन सेम होगी जो कि पहले में अभी में पड़ी हुई है तो उसकी वैल्यू सिग्मॉइड फंक्शन क्लोज टू 1 कर देगा। जिस इन्फॉर्मेशन की वैल्यू 1 होगी वो अपडेट नहीं होगी पिछली मेमोरी के अंदर, ठीक है, उसको वो फॉरगेट नहीं करेगा। जिसकी वैल्यू 0 होगी वो उनको फॉरगेट कर देगा, मतलब वो पिछले वेक्टर्स में से वैल्यूज को फॉरगेट कर देगा और जो न्यू वैल्यूज आनी है उनकी स्पेस को क्रिएट कर देगा ताकि हम अगले गेट पर जाकर वैल्यूज को ऐड कर सकें। चले टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा थोड़ा है। अच्छा उसके बाद ये इनपुट गेट आएगा, इनपुट गेट पे क्या होगा कि हमारे पास अब वैल्यूज आ रही है, मैंने आपको बताया कि दो वैल्यूज आ रही है, एक पिछली स्टेट से वैल्यू आ रही है और एक न्यू वैल्यू आ रही है। अब वो क्या करेगा, इसमें ना दो तरह के न्यूरॉन्स लगेंगे, एक पे लगेगा सिग्मॉइड फंक्शन और एक पर लगेगा टेन एच फंक्शन। टेन एच फंक्शन क्या करेगा, वैल्यूज को बाउंड करेगा -1 से 1 के अराउंड, ठीक है। और फिर सिग्मॉइड फंक्शन क्या करेगा, वैल्यूज को बाउंड करेगा 0 और 1 के अराउंड, ठीक है। अच्छा अब 0 और 1 के अराउंड करके इन पर पॉइंट फंक्शन लगेगा, पॉइंट फंक्शन के बाद हमारे पास एक वेक्टर बनेगा। अब इधर आपने बात गौर करनी है, यहाँ पर है प्लस का ऑपरेटर, यहाँ पर था मल्टीप्लाई का ऑपरेटर। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है सारी, अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना ऐड करनी, हमने वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जो कि उससे पिछली इन्फॉर्मेशन में से फॉरगेट की है, जो कि हमारे पास स्पेस वेक्टर में क्रिएट हुई है, उसकी जगह जाके जो हमारे पास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो ऐड होनी है। अब वो ऐड कैसे होगी कि इसमें क्या होगा, जब ये पॉइंट फंक्शन लग जाएगा एक टेन एच और सिग्मॉइड फंक्शन के बाद जब पॉइंट
पॉइंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगेगा, तो हमारे पास वन वन जीरो और जीरो वैल्यूज के राउंड अबाउट कुछ वैल्यूज आ जाएगी। अब वैल्यूज वही ऐड होगी जो कि वन, जो के क्लोज टू वन होगी, क्योंकि इधर प्लस का ऑपरेटर है। अब देखे ना, मैं 2 + 0 कर दूं, इसमें कुछ ऐड हुआ? कुछ भी नहीं ऐड हुआ। जीरो का मतलब ये है कि जीरो, जो वैल्यूज क्लोज टू जीरो है वो ऐड नहीं होगी, जो वैल्यू क्लोज टू वन होगी वो जाके जिस जगह से वैल्यू फॉरगेट हुई थी उस जगह पे जाके वो वैल्यूज ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया जी इनपुट गेट का काम। और मेमोरी सेल हमारा जी अपडेट हो गया, यहाँ से फॉरगेट हुई इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर आकर ऐड हुई, और हमारा न्यू मेमोरी सेल जो था ना वो सारा अपडेट हो गया। अच्छा, अपडेट होने के बाद अब जो हमारी अगेन, पहले हमने ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे HT1 के जो दो जिसको हमने कंबाइन किया, तो पहले उससे जाके गेट से फॉरगेट गेट से जो इन्फॉर्मेशन फॉरगेट करनी थी वो फॉरगेट करवाई, फिर इनपुट गेट से जाके उससे वो इन्फॉर्मेशन ऐड करवाई। अब वो जाके एग्जीक्यूट होगी, उस पर सिग्मॉइड का फंक्शन लगेगा, और जो मेमोरी में वैल्यू जब वो 10 है जाके इनका पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई होगा और वो वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी, आगे प्रोसीड कर जाएगी, और यही आगे प्रोसीड कर जाएगी। अगेन ऐसे ही अगला न्यूरॉन बन जाएगा जिसमें ये सेम आर्किटेक्चर। अच्छा, मैंने काफी सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, आई होप कि समझ आई होगी, बट अगर आप लोग को समझ नहीं आ रही तो इसकी परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे भी इस चीज को समझने के लिए कम से कम 10 दफा इसको पढ़ना पड़ा है, तब जाके मुझे चीज समझ लगी है। और न्यूरल नेटवर्क्स मैंने जितने पढ़े हैं, ANN पढ़ा है, CNN पढ़ा है, RNN पढ़ा है, मैं जब उसको पढ़ता हूँ मुझे तब ही कोई न्यू चीज पता लगती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जितनी चीजों की समझ आई है वो इनफ है, अगर आपको ज्यादा नहीं समझ आ रही तो जैसे जैसे न्यूरॉन्स को बंदा पढ़ता है वैसे वैसे चीजें समझ आती हैं। ठीक है, सर काफी चीजें समझ आ रही हैं और आपने जो है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। थैंक यू। चले अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, लेट्स सी कि हम कितना बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो अब सारी चीजें हैं ना, वॉक थ्रू, ये स्लाइड्स, ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि पहले स्टेप में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। अच्छा, GRU का हमारे पास टाइम नहीं है, GRU इट्स ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ LST है। ठीक है, तो इसमें अगेन डिफरेंट गेट्स होते हैं, लेकिन दिस इज मोर कंप्यूटेशनली एफिशिएंट देन LST है। तो हमारा तो टाइम तो एंड हो गया वैसे, चले अब जो चीजें रहती हैं उसको। अच्छा, अब वो इधर बात कर रहा है कि हम ना ये ग्रेडियंट की जो प्रॉब्लम है वो अगर हम LSTM के थ्रू सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे कुछ बड़े बड़े जो टास्क है ना उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। उसके बाद वो बता रहा है कि RNN का जो आर्किटेक्चर है वो फ्लेक्सिबल है, हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं एज 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 पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ सीक्वेंस, मतलब वेक्टर्स की, इनपुट्स की और आउटपुट की। ठीक है, अब ये मैंने अब आपको फिर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि 1 to 1। अच्छा, 1 to 1 में क्या होगा कि सिंगल इनपुट जा रही है और सिंगल आउटपुट आ रही है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि इमेज क्लासिफिकेशन टास्क, कि इमेज हमने दी है उसको क्लासिफाई करके दे दे कि हाँ भाई ये कैट है या डॉग है। अब दूसरी इसकी टाइप ये है कि 1 to many। 1 to many का मतलब क्या है कि हम एक इनपुट दे रहे हैं और ज्यादा उसमें आउटपुट जनरेट हो रही है। इसकी जो एग्जाम्पल ये है कि हम उसको एक इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें वो हमें उसका कैप्शन लिख के दे रहा है कि हाँ ये इसका कैप्शन है, तो मतलब कि ये इमेज के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है। अच्छा, मैनी टू वन, इसमें मैनी टू वन हमने एक्सप्लेन किया, इसमें ये है कि अगर आप उसको एक वर्ड लाइन देते हैं कि अब इसको एनालिसिस करके बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि हमें एग्जाम्स में पेपर आते होते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट, अब मैं उसको एक स्टेटमेंट देख के उसको पूछ सकता हूँ कि RNN उसको ट्रेन करके बता सकता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, मतलब कि ये सिंगल आउटपुट आ सकती है। उसके बाद अगेन ये मैनी टू मैनी की रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ट्रांसलेटर है, जिसमें हम इंग्लिश ट्रांसलेट इनटू उर्दू करते हैं या उर्दू इनटू इंग्लिश करते हैं, जिसमें हम एक स्टेटमेंट देते हैं और हमें एक अगेन स्टेटमेंट ही मिलती है। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस लर्निंग। अच्छा, एक और चीज है मजे की, बाई डायरेक्शनल RNN। इसमें क्या है कि अब देखे ना,
जब हम प्रोसीड कर रहे हैं, अब हम ये हमारे पास X1 है, ठीक है, इधर हमने प्रोसीड किया, हम सेकंड पे आए, लेकिन हमने इसको भी देखा कि पिछली स्टेट क्या थी, ठीक है। अब बाई डायरेक्शन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम फ्यूचर में जाते हैं, फ्यूचर में जाके फिर हम देखते हैं पिछली स्टेट्स को, मतलब ना ये इसको आई होप मैं सही वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूं, वो ये है कि अब ना हम फ्यूचर में जाते हैं, जैसा कि हमने ना एक काम गलत कर दिया, फिर हमें पता लगा कि नहीं अगर हम ऐसे करते हैं ना तो ये ठीक हो जाता, तो ऐसे ही ये परफॉर्म करते हैं कि फ्यूचर में जाके भी कुछ वेटेजेस को लेकर उसकी आउटपुट पिछले न्यूरॉन्स को देता है कि हाँ ये आउटपुट आ रही है, आप इसको इस तरह से भी डील, इसकी आउटपुट को आप लेके आगे फिर दोबारा प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस, ये सीक्वेंस और सीक्वेंस भी हमने अब पहले डिस्कस कर लिया, जो क्वेश्चन हुई थी कि ये क्या करेगा, लेट्स सपोज अगर हम इंग्लिश में कोई लाइन दे रहे हैं कि माय नेम इज निशान, इसको ट्रांसलेट कर दो उर्दू में, तो ये आरएनएन उसको पहले एनकोड करेगा लाइन को एक कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, उसको एनकोड करके, मोस्टली ये न्यूमेरिकल ही फॉर्म होती है, वेक्टर्स की फॉर्म में होता है, उसको फिर डिकोडर फंक्शन क्या करेगा, उस वेक्टर्स में से देखेगा कि हाँ ये क्या, मतलब मुझे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो मैं जनरेट कर सकता हूँ, तो डेट्स हाउ वो फिर उसको पहले एनकोड करेगा, एनकोड करके फिर उसको डिकोड करेगा दूसरी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है किराज के अंदर, हम सिंपल, अगर सिंपल आर एन एन आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है तो आप किराज की लेयर्स में है सिंपल आर एन एन, जिसमें आपने उसको न्यूरॉन्स यूनिट्स, मतलब कि न्यूरॉन्स बताने हैं कितने हैं, एक्टिवेशन फंक्शन बताना है और रिटर्न सीक्वेंस फॉल्स, ठीक है। अगर आपने LSTM यूज करना है तो आप LSTM को इम्पोर्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपने यूनिट बताने हैं, एक्टिवेशन फंक्शन बताना है, GRE को यूज करना है, उसको यूनिट्स बताने हैं और एक्टिवेशन फंक्शन बताने हैं। तो हेयर आवर लेक्चर्स एंड, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ रहे हैं। अच्छा थोड़ी सी ना इसकी इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं, मेरी नजर में ना ये जो न्यूरल नेटवर्क्स है ना CNN RNN, ये बहुत जरूरी है, अगर तो आपने एडमिशन सिक्योर करना है ना, आपको इन दोनों में से एक पर काम आता हो, अगर दो पर काम आता है ना, तो आप प्रोफेसर के लिए एक आइडियल स्टूडेंट है, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, आप जो प्रोफेसर काम कर रहा है उसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी वो आता है, तो आप उसके लिए आइडियल कैंडिडेट हो, उसके साथ अगर आपको लीड कोड आता है तो आपका सोने पर सुहागा है, फिर तो आप यही समझ लें कि प्रोफेसर ने कहना है कि मैंने बस आपको ही लेना है, आप ही मुझे चाहिए अपनी टीम के अंदर, और जैसे भी मुझे लाना पड़े आपको, वो फिर समझ लेना वो बंदा एक कह देता है कि भाई मैं खुद ही ले आऊंगा आपको लाने वाला काम ना, तो वो हो जाता है। तो अगेन वही बात है कि दो ही चीजें हैं, या इमेजेस हैं या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इन दो चीजों पर ही काम कर रहे हैं, यही आर्किटेक्चर CNN RNN को यूज करके आगे जनरेटिव डीप लर्निंग, जनरेटिव AI, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो अगर इनका बेसिक कंसेप्ट समझ लिया जाए, उन पर प्रोजेक्ट्स किए जाए, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपका पूछ लिया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर आपका आज मैंने लेक्चर लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर था और लेक्चर सुन के बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर, सही है सर, जो कंप्यूटर विजन में यूज होते चलिए। हैं वो CNN होते हैं ना, आगे जो जी RNN जी की जगह जो कंप्यूटर CNN होता है और NN, जी। कंप्यूटर विजन इज टोटली रिलेटेड टू इमेजेस, तो इमेजेस पर वर्क करने के लिए हमें CNN ही यूज करना पड़ता है। सर श्याम, आपने जी एक जी वर्कशॉप ना इस चीज़ पे भी करवानी है कि रोड मैप कैसे स्टार्ट करना है, मतलब CNN बेसिक से स्टार्ट होके अप टू एडवांस लेवल तक कैसे जाना है, और देन ANN कैसे बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस तक जाना है, क्योंकि जी बीच में से तो ठीक है, जैसे आपने कोर्स नहीं करवाया रमज़ान से पहले, उस तरह कोई एक वर्कशॉप अच्छा, भी नहीं आप अरेंज करवाएं इसको। वर्कशॉप नहीं, शायद मैं दोबारा CNN पे कुछ सेशन स्टार्ट करवा लूं, क्योंकि CNN ये ऐसी चीजें हैं, इनको जितना पढ़ते रहो उतना ही बंदा डीप जाता है और उतनी ही चीजों को समझ बिल्कुल आती है,
अब ना हमें सीएनएन के आर्किटेक्चर्स पर वर्क करने की बड़ी जरूरत है, उनको समझना और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं उसको सोच रहा हूँ, बस दुआ करें कि इंशाल्लाह मुझे भी टाइम मिले और हम चीजों को फिर आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह सर। है, किसी और का भी जनरल क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, हाई कोर्ट के बारे में या एनीथिंग एल्स। स्कॉलरशिप के रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले। वी हैव 5 मिनट्स। चले आई थिंक नहीं है तो मैम अभी हाँ ओवर टू यू। सर काइंडली इसकी ना हाँ स्लाइड शेयर कर देना आप। जी ठीक है। चले ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।